तो फाइनली हम पोर्ट के रेंट पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ से टिकट वगैरह लेनी है, उसके बाद अंदर जाएंगे इन होंगे। ठीक है, तो अभी हमें मिल चुका है एंट्री पास। ये एंट्री पास देखें, 500 का एक है, मतलब 3 जने 1500। अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। भूख लग गई है अभी, कुछ खाते हैं उसके बाद आगे की एक्टिविटीज करते हैं। सही है, ये क्या सीन है, जेंट्स सालो नहीं है, सिर्फ फैमिली, जहाँ जाते हैं ओनली फैमिली। तो हम क्या करें, सिंगल लोग क्या करें, आवाज़ उठाओ सिंगल लोगों। तो फाइनली हमें कोई जगह बैठने के लिए मिली है, और इस रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहे थे वो कह रहे थे फैमिली है, ओनली जेंट्स अलो नहीं है, तो यहाँ पर बैठ कर यहाँ पर कुछ ऑर्डर करते हैं। अच्छा, तो अभी हमें समोसे ही मिले हैं, और एक प्लेट इसके हाथ में प्रेम के में, और मेरे तो ये वहाँ बैठ कर खाएंगे। तो मैं यहाँ पर आया था 2 चीज़ों के लिए, यहाँ पर एक कॉन्सर्ट हो रहा होता है वो, और दूसरी यहाँ पर मिलती है तुर्किश आइसक्रीम, मेरे पीछे तुर्किश। तो कॉन्सर्ट तो नहीं हो रहा शायद, मैं भी हो रहा हूँ आगे हो देखते हैं, लेकिन ये तुर्किश आइसक्रीम लेते हैं और मज़ा आता है ना, वो ऐसे ऐसे जो गिरते हैं दिखाते हैं आप। टोकिन लेते हैं यहाँ से फिर हर्षवर्धन। टेस्ट तो करें, टेस्ट कैसा आ रहा है? अच्छा टेस्ट है। यहाँ पर इस साइड है बच्चों का पोर्शन, यहाँ पर गेम्स वगैरह हैं, वो खेल सकते हैं, झूले वगैरह हैं। मैं कहता हूँ कराची में आपको बेस्ट फैमिली स्पॉट मिल जाएगा, मिलेगा पोर्ट ग्रैंड। पोर्ट ग्रैंड है फैमिली के साथ बेस्ट फैमिली स्पॉट है, बाकी कराची तो सारा अच्छा है अगर हालात अच्छे हों। दुआ करें हालात अच्छे हो जाए तो कराची सारा बेस्ट है। The
दिस टाइम इज फॉर आसान इशा, सो दैट्स व्हाई हम एक छोटा सा ब्रेक करेंगे। तो यार क्या कोइंसिडेंस हो गया, मैं आया था यहाँ पर फोर्थ ग्रेड मिले और मेरा फेवरेट होस्ट मिल गया है भाई अरसलान सिद्दीकी, और मैं इनको बहुत टाइम फॉलो कर रहा हूँ। आज इनसे मुलाकात हुई, दूसरी मरतबा मुलाकात हुई, फर्स्ट टाइम हुई थी एंग्रो डे की, तो एक्साइटमेंट की वजह से मुझे मुझसे बात नहीं हो रही। अरे कोई बात नहीं, आप हमारे भाई हैं, सात भाई हमारे बहुत अच्छे भाई हैं और इनसे हमारी पहले भी मुलाकात हुई है। हम एंग्रो डेहरकी में एक इवेंट करने गए थे और वहाँ पे इनसे मुलाकात हुई थी, और उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद आज यहाँ फोर्ट कैंट कराची में मुलाकात हुई है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एज वेल, क्योंकि जब आप बहुत टाइम के बाद किसी से मुलाकात हो जो आपसे मोहब्बत करता हो तो आप खुद भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। आप सब ज़रूर इनको फॉलो कीजिए, ये व्लॉगर भी हैं और इनके ब्लॉग ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में उसे स्प्रेड भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ जी कराची वालों, फिर क्या ख्याल है? So ladies and gentlemen, finally the wait is over and your favorite star is ready to perform before you guys once again. Are you guys ready? So ladies and gentlemen, as actor you love him, as singer you love him, as person you guys love him. So ladies and gentlemen, give the huge applause for him. Now here he comes with his enthusiastic performance. Ladies and gentlemen, none other than one and only Agha Ali! कराची ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मेरा पिछले 12 साल से यहां से जाने का दिल ही नहीं करता।
Grand. मेरा बहुत दिल कर रहा था जाने का, मतलब वैसे वहाँ पर कैसे जाने का।